नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंभ राशि वालों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अपने जीवन काल में इस समय भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे और खुश होगी। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी अनमोल वाणी के साथ में। तो दोस्तों आपको बता दें, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जय दोस्तों। अगर आपको भी यह बात महत्वपूर्ण लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे सरदार दिल से जय श्री विष्णु जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन औरतों से भूलकर भी यह चीज मत मांगना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुने हैं। तो दोस्तों आपको बता दे, आपको कभी भी स्त्रियों से इन बातों का कामना नहीं करना चाहिए, यानी कि एक स्त्री से यह चीज नहीं मांगना चाहिए। इनसे दोस्तों आपको अपमान का ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो पुरुष उनसे इन बातों की कामना करता है, वह स्त्री उसका अनिष्ट ही कर देती है। जैसे कहा गया है कि स्त्रियां कई प्रकार की मानी जाती है, वह पुरुषों से मधुर बातें करती है, उनके साथ हंसती है, उनके साथ कई रात जाने का प्रयास भी करती है, और जब स्त्री आपको इस काम की वजह से वश में देख लेती है तो वह आपके साथ खेल करती है जब तक कि आप एक पुरुष नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्त्रियों को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी पुरुष भी अपने काम को वश में नहीं कर पाते हैं और एक स्त्री का दास बनकर रह जाता है। इसलिए आप सभी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह कभी किसी स्त्री से इस चीज को लेकर कामना ना करे, जिससे कि वह स्त्री आपके साथ खेल कर सके। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आपको एक स्त्री से किस चीज का कामना नहीं करना चाहिए, यानी कि किस चीज को नहीं मांगना चाहिए और क्यों नहीं मांगना चाहिए। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप भी इस चैनल पर एक नई मेहमान व दर्शक बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। तो पहले हम जानेंगे कि आज का दिन कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, और फिर आगे की जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके दफ्तर में कार्य बहुत अधिक करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको शाम के समय में थकान भी हो सकती है। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन बढ़िया रहेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करें, अन्यथा कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज आप अपने भाई बहनों के साथ किसी मांगलिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आप बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे और आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। छात्रों की बात करें तो छात्र अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दे, अन्यथा जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी शादीशुदा जीवन की बात करें तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा चलेगा, आपकी अपने जीवन साथी के साथ अच्छी जमेगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन काल में एक स्त्री से किस चीज की कामना नहीं करना चाहिए, यानी कि किस चीज की मांग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, एक स्त्री की रहस्य को जानना कि मन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से उसके निजी जीवन के रहस्य जानने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री इस विषय में कभी भी सत्य नहीं कहेगी, वह झूठ बोलकर आपको अपनी माया से भ्रम कर देती है। ऐसे
में आप सभी पुरुष किसी स्त्री को आवश्यकता से अधिक महत्व अच्छा लगता है तो आप किसी खेल के पक्षी की तरह हो जाता है और वह आपके साथ खेल करने लगती है। साथ ही आप सभी पुरुष को अपने जीवन से जुड़े राज कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर एक स्त्री को, क्योंकि एक स्त्री यह बातें दूसरों को बताने में देरी नहीं करती है। दूसरी बात, सहायता की कामना। अगर आप सभी कोई पुरुष किसी स्त्री की सहायता करता है तो आपको बदले में उस स्त्री से सहायता मिलने की कामना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी एक बुद्धिमान पुरुष किसी की मदद करने पर उनसे बदले में कुछ पाने की कामना नहीं करते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्री से मदद के बदले मदद की कामना कभी आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उस स्त्री द्वारा उल्लेख किए जाने पर आप अपमानित महसूस कर सकता है। महिलाएं बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कभी नहीं करती, चाहे फिर कोई उनकी कितनी मदद क्यों ना करे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी पुरुष को स्त्री से मिलने की कामना। एक सभ्य पुरुष को किसी स्त्री से एकांत में मिलने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री एकांत मैन मिलने के लिए कहे तो सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष का रिश्ता एक फूल की तरह होता है और ऐसे में एकांत में मिलने पर वे दोनों भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अगर आप सभी कोई पुरुष किसी स्त्री से एकांत में मिलता है तो समाज आपको बुरी नज़र से देखता है और आप पर गलत आरोप भी लगा सकता है। और अगर स्त्री दुष्ट हो तो वह आप पर गलत आरोप लगाकर वह महिला आपका इस्तेमाल भी कर सकती है। साथ ही दोस्तों, आप सभी पुरुष को एक पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर आप अपनी स्त्री से प्रेम और सम्मान मिलने की कामना भी छोड़ दे, क्योंकि जिस प्रकार एक मादा पशुओं के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्रियों का रहना अनुचित है। और आप सभी जो भी पुरुष ऐसा करें तो आपकी स्त्री संतुष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी किसी भी बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री से किसी भी प्रकार का स्वार्थ, प्रेम, धन, मान सम्मान की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। और तो किसी स्त्री के कहने पर चलना भी नहीं चाहिए और ना ही उस स्त्री के अधीन होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो भी पुरुष की स्त्री के अधीन रहता है उसका नष्ट होना तो तय है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में इन चीजों की कामना एक स्त्री से नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि दोस्तों, कहते हैं विश्वास पर दुनिया कायम है। शुक्र नीति के अनुसार किसी पर हद से अधिक विश्वास करना नुकसान पहुंचाता है। विश्वास और अविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी के चरित्र पर संदेह और भरोसा करें। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर पूजा पाठ, दान कर्म आदि करता है, वह जीवन में हर वो खुशी प्राप्त करता है जिसकी उसे चाह होती है। जहाँ तक संभव हो धर्म के प्रति किसी भी तरह का अपराध करने से बचे। मनपसंद भोजन ना मिलने पर अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोधा पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती। जैसे एक व्यक्ति की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही परिवार कुटुंब में रहने वाले सगे रिश्तेदार भी एक जैसे नहीं होते। जो लोग नास्तिक या पाप कर्मों में रत रहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उनका त्याग कर दे। कहा जाता है कि इंसान की परछाई हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन एक समय परछाई भी साथ छोड़ देती है। परछाई तब तक साथ देती है जब तक इंसान धूप में चलता है। जब इंसान की परछाई ही सदैव उसके साथ नहीं रहती तो किसी अन्य से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। कुछ लोग की यह चाहत होती है कि मिला पद और अधिकार उनके साथ पूरे जीवन रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अधिकार और पद समय पर बदलता रहता है, इसलिए इससे मोह करने का कोई फायदा नहीं है। है दोस्तों, तो व्यापार में आपसे व्यापार से जुड़े लोगों को काम में गति मिल सकती है। इस कारण जीवन में व्यवस्था बनी रहेगी और जीवन में नयापन भी आएगा। और हर वक्त पार्टनर के बारे में सोच विचार करने से अन्य बातों की तरफ ध्यान दें पाना आपके लिए मुश्किल होगा। होगा मित्रों, सेहत से संबंधित बदलाव के कारण आपको चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन सेहत को ठीक करने की कोशिश भी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि मन में उत्पन्न हो रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी व्यक्ति से बात करें।
अर्थात जो आपसे बड़े हैं, आपके बड़े हैं। पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको करीबी व्यक्ति से मदद मिल सकती है, लेकिन इस धन को तुरंत लौट आने की कोशिश करें और विदेश में काम करने वालों को नई जगह काम करने का मौका मिल सकता है। तो परिवर्तन यदि आपके जीवन में होगा तो ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वह परिवर्तन व्यापार संबंधित हो या स्थान से संबंधित हो। विदेश में काम करने वालों को डोट नई जगह काम करने का मौका मिल सकता है और पार्टनर द्वारा दिए गए सुझावों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मित्रों, नींद और खानपान का अतिरिक्त ध्यान रखें, या हो सके तो विशेष ध्यान रखें। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हल जो प्राप्त हो रहे हैं वह आपके मन के अनुसार ना होने से नाराजगी रह सकती है, लेकिन आपको बता दें, मित्रों की समस्याएं दूर हो रही हैं, तो आप केवल उन पर अपना ध्यान दें। किस तरह से समस्याओं को डोट दूर किया जा सकता है, यह बात जानने की कोशिश करें और वास्तविकता का आपको भरपूर एवं बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसी सलाह आपको दी जाती है। मित्रों, रियल एस्टेट यानी कि जो रियल एस्टेट का कारोबार या व्यापार करते हैं, तो उनसे जुड़े लोगों को जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक क्लाइंट के साथ खुद होकर बातचीत करने की जरूरत है। यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में रखेंगे तो कार्य बिगड़ सकता है। पार्टनर की दुविधा का हल ढूंढने में उनकी मदद करें, अर्थात आपको बता दें, मित्रों की वास्तविकता का ध्यान रखते हुए जीवन शैली में परिवर्तन अर्थात बदलाव करने की कोशिश करें, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। अपने काम के साथ आध्यात्मिक जीवन पर भी आपका ध्यान दें और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए आगे बढ़कर प्रश्न करें। मित्रों, जब तक आप आगे बढ़कर प्रयत्न नहीं करेंगे, आपके प्रयत्न वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि जीवन आपका है, मार्ग आपका है, लक्ष्य आपका है, आगे भी आपको ही बढ़ना होगा। और करियर से संबंधित अच्छी बातों की वजह से आपके मन में जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। लव रिलेशनशिप में वक्त के अनुसार बदलाव नजर आएगा, इसलिए इस समय चिंता ना करें, सब कुछ वक्त पर छोड़ दें। पेट से संबंधित इन्फेक्शन होने की भी इस समय आपको आशंका बन रही है, लेकिन मित्रों आपको बता दें कि संयम बनाए रखेंगे तो फायदा प्राप्त हो सकता है। और लेकिन आगे बढ़े कुछ कामों गति लाने की भी आपको कोशिश करनी होगी। जी हाँ, संयम जो है आपके जीवन का सबसे बड़ा गुण, महत्वपूर्ण गुण है। आपको बता दें कि जब तक आप संयम नहीं बरत आपके कार्य रुकते जाएंगे। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको किसी विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विदेश यात्रा से संबंधित कागजात आपको पूरी तरह से साफ कर लेने हैं, क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि नहीं तो आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। मित्रों, आपसे कोई ऐसी बड़ी गलती भी हो सकती है जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोई ऐसी विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, जिस उपलब्धि के चलते परिवार व मित्रों खुशियों का मेला लग जाएगा। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि बेवजह के झगड़ों से जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि मित्रों इस वक्त कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं और अगर आप एक बार उनके चपेट में आ गए तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि पारिवारिक मामलों में आपके विचारों को विशेष महत्व मिलेगा। मीडिया और संपर्कों के माध्यम से मित्रों कुछ नई नई जानकारियां आपको हासिल होगी जो कि बहुत फायदेमंद रहेंगी। मित्रों बता देते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आपका प्रयास काफी हद तक कामयाब रहेगा। आलस और लापरवाही से आप जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। मित्रों, ज्यादा सोच विचार करने से उचित हाथ से निकल भी सकता है। युवा वर्ग को किसी वजह से करियर संबंधित योजनाओं पर पूर्ण विचार भी करना पड़ता सकता है। व्यावसायिक मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप व्यवस्था को बाधित कर सकता है। मित्रों और नौकरी संबंधित बिजनेस में बहुत फायदे की उम्मीद ना करें, क्योंकि बता देते हैं कागजी कामों को बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। मित्रों, परिवार में आपको पूरा सहयोग व मान सम्मान प्राप्त होगा और यह सुखद अनुभूति आपको अपने काम के प्रति और अधिक एकाग्रता और एनर्जी प्रदान करेगी। वर्तमान वातावरण की वजह से किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना दिख रही है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाकर रखें।
किसी एक ही बात पर फोकस बनाए रखें, जिन बातों के लिए भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं उनमें मित्रों धीरे धीरे आपको परिवर्तन नजर आएगा, साथ ही जो आपके व्यक्तित्व को और विचारों को सुधार सकता है। लोगों के साथ बदलते संबंधों से प्राप्त हुई सीख का इस्तेमाल करते हुए जो लोग आपके लिए योग्य हैं उनके साथ जुड़े रहना आसान होगा। होगा मित्रों और काम की जगह चल रही उलझन के कारण आपके द्वारा गलत निर्णय ना लिया जाए, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर की कमजोरियों को समझना आपके लिए आवश्यक होगा। लो बीपी और शुगर के कारण आपको तकलीफ हो सकती है। साथ ही मित्रों इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करें, आपको एक साथ कई खुशियां प्राप्त होंगी। कोई खास प्रयोजन हल होने वाला है और किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको किसी परेशानी से राहत दिलाएगी। मित्रों विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित दिक्कतों का समाधान मिलेगा, जिससे अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहे मित्रों, क्योंकि गैर कानूनी गतिविधियों में पढ़कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा और घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह पर भी आपको जरूर ध्यान देना है। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। मित्रों भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। बिजनेस से संबंधित खास जानकारी आपको मिल सकती है और यह जानकारी कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं होगी। किसी महत्वपूर्ण इंसान से मुलाकात आपके बिजनेस में मित्रों हद से ज्यादा काफी मददगार रहेंगी। आप जिस सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे मित्रों, वही सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और आपकी इनकम सामान्य रहेंगी। अधिकारी भी आपके काम से बहुत खुश रहेंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपकी समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन सतर्कता न होने से जीवन में बदलाव नहीं देख पाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार प्रयत्न करते रहे। किसी विचार पर तुरंत निर्णय लेने से आपको मित्रों बचना है नहीं तो दिक्कत आपके लिए बढ़ सकती है। साथ ही बता देते हैं कि आपके समय की शुरुआत बड़ी ही सकारात्मक रहेंगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक बड़ी बड़ी खुशखबरी आपके घर में दस्तक देगी। काम जगह लोगों के आप पर बनी हुई नाराजगी दूर करें और पार्टनर के साथ हुई चर्चा के कारण आपका नजरिया बदल सकता है। मित्रों कुछ समय आपको अपने माता पिता के साथ भी अवश्य व्यतीत करना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था शांतिपूर्ण रहेगी। विद्यार्थी वर्ग जो अपने पढ़ाई से बिल्कुल भी न चुराए अपनी मेहनत और उत्तम जीवन शैली से सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे और दूसरों से उम्मीद रखना आपकी कार्यक्षमता को कम ही करेगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्यों को संपन्न करने में सहायता मिलेगी। मित्रों अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का प्रयोग करें, मन को संयमित रखिए, क्योंकि कभी कभी ईगो और घमंड आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई है। बिजनेस संबंधित गतिविधियों में फोन या किसी मीटिंग में महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है और नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस में गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बनेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बिल्कुल ना रहे मित्रों। अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, ऐसे में अपने खानपान एवं दिनचर्या आदि पर विशेष ध्यान दे और अपनी सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में अचानक लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। जी कहते हैं कि आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही महान जीवन का पहला कर्तव्य है। और मित्रों हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मित्रों जीवन में ध्यान रखिएगा कि संकट और परिस्थितियों का सामना तो स्वयं भगवान को भी करना पड़ रहा था, तो आप तो फिर भी एक इंसान है। जीवन में कभी भी संकट और परेशानियों से भागना मत। मित्रों यह जो समय है बहुत बेहतर रहने वाला है। जिन जिन लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा की थी मित्रों, वे लोग आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे। साथ आप सभी को बता देते हैं
कि पति पत्नी के बीच बहुत बढ़िया संबंध बने हुए हैं। काफी लंबे समय से आपके बीच जो मतभेद चल रहे थे वह मतभेद दूर होंगे। मित्र और बता देते हैं कि आपको मित्रों जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी लोग अपनी बुद्धिमानी से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब रहे और संतान उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहेगी। आपकी अपने माता पिता से अनबन होने की संभावना बन रही है। आपको बता देते हैं कि संबंध यदि बिगड़े तो इससे प्रॉब्लम और भी रख सकती है, तो बेहतर तो यही होगा कि आप मित्रों अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। आप अपने निकट के किसी व्यक्ति की गलती को माफ करने का हक अपने पास रखते हैं, इससे आप उनके और निकट हो जाएंगे और कोई प्रत्याशित रूप से आपके करीब आने की संभावना है। इससे आपके जीवन साथी तथा जीवन शैली में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप कुछ पल के लिए एकांत की तलाश करेंगे, परंतु इस समय आप जिस तनाव और दबाव से गुजर रहे हैं उससे ज्यादा दूर रहना आपके लिए मुश्किल रहेगा। मित्रों, पहली बार मिले किसी इंसान की ओर आकर्षित होने की लालसा आपके भीतर घबराहट पैदा कर सकती है। साथ ही इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता जोड़ने से पहले उनके बारे में विस्तृत जानकारी पाने का मौका ना छोड़ दे। सब कुछ उलट पुलट होने जैसा दिखेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ और कहां गलत हुआ। लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने से लाभ होगा और आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। व्यवसाय में ना सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि उसका विस्तार भी होगा। मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए समय बेहद शुभ होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे लोगों को भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मनचाही सफलता से परीक्षार्थी के उत्साह में वृद्धि होगी। वीकेंड किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। आपका मन सामाजिक कार्यों में खूब लगेगा। व्यवसाय में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। कारोबार धीमी गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में ना सिर्फ घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की बल्कि खुद की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस दौरान वाहन चलाते समय तथा सफर करते समय खूब सावधान रहे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा आप मित्रों अच्छे कर्म ही करते रहिएगा, क्योंकि कर्मों का लेखा ऐसा होता है कि जब देखते हैं तो मित्रों जिंदगी बदल कर रख देते हैं। इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान अवश्य रखना। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि भविष्य से संबंधित बातें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको आने वाले भविष्य में सुख अच्छे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आपको असहज महसूस करा सकती है, तो बेहतर तो यही होगा कि मित्रों अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें और सोच समझकर निवेश करें, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मित्रों, आपके परिवार के लिए हर वह चीजें पूरी तरह से कायम रहेगी जिन्हें आप चाहते हैं, और प्रदूषण कम करने के लिए एक पौधा आपको जरूर लगाना ही, यह आप आज से ही प्रण ले लें। मित्रों, कार्यस्थल पर लोगों के साथ व्यवहार करते समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बातें रिश्तों को कमजोर करने का काम कर सकती है। आप सभी को बता देते हैं कि जीवन की लघुता पर विचार करें, इसलिए आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। जीवन की लघुता यानी कि जीवन को कैसे सफल बनाना है और आगे ले जाना है, इस बात पर आपको विचार करना होगा। और मित्रों बता देते हैं कि आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, लेकिन किसी अनपेक्षित कार्य के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन साथी रो में किसी नई बात को लेकर विवाद पैदा कर सकता है। साथ ही यह जो समय है, यह समय मौज मस्ती और हंसी मजाक में भरा रहेगा। मित्रों, आपको जीवन को भरपूर जीना चाहिए, क्योंकि इन बड़े कारोबारियों को पैसा बहुत ही सोच समझकर लगाने की जरूरत है।
मित्रों पैसे को लेकर चिंतित तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में बताई गई है सारी बातें थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो खास लगा हो तो अपने जीवन काल में जरूर ध्यान रखें, आपके लिए काफी लाभदायक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।